हाय दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइड इस वीडियो में हम एयर और एटमोस्फियर चैप्टर में टाइप ऑफ वाटर के बारे में जानेंगे वाटर को दो टाइप में डिवाइड किया है एक है सॉफ्ट वाटर और दूसरा है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का डेफिनेशन है जिस वाटर में आप सोप यानी साबुन घुलकर बुलबुला बनाता है उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं और जिस वाटर में साबुन घुलकर कोई बुलबुला नहीं बनाता है उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं सॉफ्ट वाटर में मेनली प्रेजेंट रहता है सोलोबल सॉल्ट जो कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का और हार्ड वाटर में प्रेजेंट रहता है कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट हार्ड वाटर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है एक है टेम्पोरी हार्डनेस और दूसरा है परमानेंट हार्डनेस पहले हम टेम्पोरिरी हार्डनेस के बारे में जान लेते हैं इस टेम्पोररी हार्डनेस बेसिकली बाईकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट के कारण होता है अगर वाटर में बाईकार्बोनेट का एलिमेंट में कोई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है तब वो टेम्पोरिरी हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट करता है इस टेम्पोरिरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है बॉइलिंग से मतलब पानी को उबल कर इस टेम्पोरिरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है इसके अलावा भी वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एलिमेंट ऐड करके इस टेम्पोरिरी हार्डनेस को भी रिमूव किया जा सकता है हार्डनेस बेसिकली पीपीएम में डिनोट किया जाता है जो कि जीरो एक सॉफ्ट हार्डनेस है और फोर हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एक लार्ज हार्डनेस है ये एक हार्डनेस का रेंज है हमारा नेक्स्ट स्लाइड है रिमूव ऑफ टेम्पोरिरी हार्डनेस मतलब कैसे टेम्पोरिरी हार्डनेस रिमूव किया जा सकता है वाटर से बॉयलिंग के जरिए सोलोवेल जो बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है इंसोलोबल कार्बोनेट्स में जो कि आसानी से फिल्ट्रेशन के जरिए रिमूव किया जा सकता है नीचे रिएक्शन दिया हुआ है जो कुछ इस प्रकार का होता है हमारा नेक्स्ट मेथड है क्लार्क्स मेथड इस मेथड के जरिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो एलिमेंट है वो इस हार्डनेस को रिमूव करने में सहायता करती है वाटर में टेम्पोरी हार्डनेस से वो कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट्स कार्बोनेट्स इंटू कार्बोनेट्स में जो कि आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हो हमारा नेक्स्ट हार्डनेस है पार्मानेंट हार्डनेस ये पार्मनेंट हार्डनेस क्रिएट होता है सल्फर एंड क्लोराइड का एलिमेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का एलिमेंट्स में जुड़कर ये पार्मानेंट हार्डनेस होता है इस पार्मान्ट हार्डनेस को सॉफ्ट वाटर में मतलब सॉफ्ट हार्डनेस में रिमूव किया जा सकता है कैल्शियम बाई सोडियम कार्बोनेट एलिमेंट और जियोलाइट एलिमेंट्स के जरिए ये किया जा सकता है हमारा नेक्स्ट स्लाइड है रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे वाटर से परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर सकते हो इसका फर्स्ट मेथड है गैंस पार्मोटिड मेथड इस मेथड में सोडियम एलोमिनेट ऑर्थोसिलिकेट जो कि पार्मोलेट और जियोलाइट के नाम से जाना जाता है इस मेथड में इसे को इस्तेमाल करके परमानेंट हार्डनेस रिमूव किया जाता है इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होता है जो आप नीचे देख सकते हो हमारा नेक्स्ट मेथड है आयरन एक्सचेंज मेथड 100 परसेंट परमानेंट हार्डनेस रिमूव किया जा सकता है इस मेथड के जरिए इस मेथड में रेजिन यूज करके परमानेंट हार्डनेस रिमूव किया जाता है इस मेथड में सी ए टू प्लस और एम जी टू प्लस आयन एक्सचेंज होता है सी एल माइनस और एस 2- टू माइनस आयन में इसका केमिकल रिएक्शन कुछ इस प्रकार का होता है जो आप नीचे देख सकते हो हमारा तीसरा मेथड है कैलगन प्रोसेस इस मेथड में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट जो कि कैलगन नाम से जाना जाता है इसी को यूज़ करके परमानेंट हार्डनेस रिमूव किया जाता है इस मेथड में हार्डनेस रिमूव किया जाता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन का एब्जॉर्प्शन करके हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हेवी वाटर हैवी वाटर जाना जाता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड के नाम से जो कि डी इसका मॉलिकुलर मास है ट्वेंटी हेवी वाटर यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर में न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए इस हेवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है हेवी वाटर का स्टडी में केमिकल रिएक्शन का जो मेकनिज़म है वो इन्वॉल्विंग किया जाता है हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स में आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ